रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ की कमी और पर्याप्त संसाधन न होने के चलते 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को अभिव्यक्ति नहीं लगाई जाएगी। इस दौरान सरकार का पूरा फोकस 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के सेकेंड डोज पर रहेगा। यह कारण बताते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक नए वैक्सीनेशन अभियान को नजरअंदाज कर दिया है, लिहाजा कांग्रेस विधायकों ने स्वयं से 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगवाने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है। 18 साल से अधिक के व्यक्तियों को लगाई जाएगी वैक्सीन, जबलपुर से उठी मांग। मध्य प्रदेश में सहकारिता मंत्री और जबलपुर का प्रभार देख रहे अरविंद भदौरिया आज कोरोना संक्रमण को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक लेने जबलपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया का सुझाव दिया कि अगर सरकार के पास स्वास्थ्य विभाग का अमला और संसाधन नहीं है तो हम निजी स्वास्थ्य अमला लगाकर वैक्सीनेशन करवाएंगे। कांग्रेस विधायक उसके लिए राशि देने को भी तैयार है। कांग्रेस के चारों विधायक तैयार, भाजपा विधायकों को भी आमंत्रण। जबलपुर के चारों कांग्रेस विधायक तरुण भनोट, लखन घनगोरिया, विनायक सक्सेना और विनय सक्सेना और संजय यादव ने वैक्सीनेशन के इस अभियान को लेकर हामी भर दी है। साथ ही भाजपा के विधायकों से भी निवेदन किया है कि वह युवाओं को लगाई जाने वाली वैक्सीनेशन अभियान में अपना साथ दे। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों को हमने आमंत्रण दिया है, अगर वह तैयार होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग ही जबलपुर की सभी विधानसभाओं में 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को वैक्सीन लगवाएंगे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। उसके लिए दुकानें वगैरह में गरीब आदमी परेशान हो रहा है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए भी एक्शन करेंगे, एक भी आदमी भी छोड़ेंगे नहीं, राष्ट्र का लगा के बंद करेंगे। आप भी देख रहे हैं उसमें भी बातचीत हुई है, उसको भी एक टीम बना के उनसे भी संवाद करेंगे। निजी अस्पतालों को बुलाया भी था, अभी हमारे कलेक्टर ने हमारे सांसद जी के साथ ही बैठे थे, उन सबसे भी बात करेंगे, व्यवस्थित कर रखिए। अभी एक 400 बेड का यहाँ पे आज हम अभी देखने जा रहे हैं, आप लोग भी चलिए। एक 400 बेड की और व्यवस्था कर रहे हैं, एक बड़ा सेंटर बनाने की, तो ये सब व्यवस्थाएं तो करने वाले हैं, क्योंकि ये आपदा का काल है। इस सब व्यवस्थाओं में मध्य प्रदेश की सरकार कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको नहीं लगा सकते, ना हमारी निधि से ये लगाया जाए। एक्चुअली निधि के भी एक डूज एंड डोंट्स होते हैं, किस निधि में लेना किस निधि में नहीं लेना, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान साहब ने कहा कि सबको 18 से ऊपर वाले लोगों को जो पद्धति है, जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, जो टीका का प्रोटोकॉल, उसमें सभी को हम लगाएंगे। विधायकों ने जो सुझाव दिया उनका स्वागत हो गया, यहाँ पर आवश्यकता तो यहाँ उपयोग कर लेंगे, उनके पैसे की और भी जरूरत होगी, विधायक निधि भी शासन निधि होती है, तो उन सबको भी धन्यवाद। सर ये क्या सुझाव दिए बैठक में? आज प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्र की अलग से बैठक थी, तो हम लोगों को सभी ये सुझाव था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति कंट्रोल में पंचायत स्तर पर काम करना पड़ेगा, और निचले लेवल पर जो कमेटी बनाकर वहाँ के लोगों का सहयोग लेकर जो गांव वाले डरते हैं या जो क्वारंटाइन नहीं होते हैं और गाँव में जाँच नहीं हो पा रही, उन जाँचों को करना पड़ेगा, तब हम कोरोना को रोक पाएंगे। और इसके लिए हमने सब ने मिलकर एक कमेटी बनी है, उस कमेटी का सब व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और क्षेत्र के लोग हम प्रयास करेंगे कि कोरोना जल्द से जल्द रोके। मैंने आज अपनी विधायक निधि से भी और अन्य मत से भी, हम लोग चाह रहे हैं कि 20 बिस्तर का अस्पताल का काम बरगी नगर में शुरू हो गया है, और सहपुरा में 10 और चरगमा में 10, वहाँ ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजन में जो खर्चा आ रहा है और दवाइयों में जो खर्चा आ रहा है, मैं अपनी विधायक निधि से दे रहा हूँ। वो क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, लोग गांव के लोग क्वारंटाइन सेंटर जाना नहीं चाहते, वहाँ के क्षेत्रीय लोग मिलकर क्वारंटाइन सेंटर में जो भी भोजन पानी की व्यवस्था होगी उसको हम लोग करने तैयार हैं। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।